वो तो अपनी बेटी को बचाने के लिए भाग रहे थे, पत्थर से पैर टकरा गया और बेटी हाथ से फिसल गई। उसके सर पे पत्थर लग गया, उन्होंने नहीं मारा। ऐसा नहीं बोलेगा तो और क्या बोलेगा अपनी बीवी को? पर सच क्या है हमें भी क्या पता। सच क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता, बट ये बात बिल्कुल सच है, जिस रास्ते पे वो चल रहा है उसी की वजह से उसकी बेटी की मौत हुई, और दिनेश की मौत भी तो उतना ही बड़ा सच है। मैं समझ सकता हूँ कि आप भी थोड़ा वक्त उनके साथ गुजारते गुजारते इमोशनली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। यू नीड टू गेट बैक। दीदी आप बहुत देर से चुप हैं। लक्ष्मी थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ। एक्चुअली मुझे पैसों की जरूरत है, बैंक लोन है, अगर ड्यू डेट पे पैसा नहीं गया तो नोटिस आ जाएगा। प्लीज बुरा मत मानना, अगर तुम एक दो महीने का पैसा रेंट एडवांस दे दो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, तब तक मेरे हस्बैंड का पैसा भी आ जाएगा। उतना पैसा तो मेरे पास भी नहीं है दीदी, पर आपको ठीक लगे तो एक रास्ता है। क्या? मुझे पैसा चाहिए ऐसा कह के उनको एक मैसेज भेज देती हूँ, तो वो पैसा लेकर जरूर आएंगे, मुझसे मिलना भी चाहते हैं। पर ऐसी जगह की जरूरत है जहां पुलिस का डर ना हो। आप अगर मुझे उनसे मिलने में मेरी मदद कर दो तो मैं आपका पैसा भी दे दूंगी। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन पैसों के लिए नहीं, तुम्हारी और मेरी दोस्ती के लिए। फ्रेंड है जो यूएस में रहती है, उसका एक फार्म हाउस है यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में, वहाँ कोई नहीं रहता, बस एक केयरटेकर, कुछ लेबर्स, दैट्स इट। वहाँ इनको बुलाना ठीक रहेगा? ओके लेट्स डू वन थिंग, कि हम वहाँ चलते हैं, घर देख लेते हैं, अगर तुम्हें ठीक लगे तो वहाँ मैसेज भेज के उनको बुला लेना, अगर ठीक नहीं लगे फिर सोचते हैं। जगह तो ठीक है पर ये सब लोग, हमारा काम कैसे होगा? ये सब वर्कर्स शाम को घर चले जाते हैं, रात को हम दोनों के अलावा और कोई नहीं होगा। एक श्रेया दीदी है, उनके साथ रहती हूँ।
बहुत अच्छी है, मेरी बहुत मदद करती है वो। उनको घर का भाड़ा देने के लिए मुझे पैसे चाहिए, जल्द से जल्द। जंगल में कॉफी के बगान के पास एक पीले रंग का बहुत बड़ा घर है, मैं वहां आपका इंतजार कर रही हूँ। और यहाँ पुलिस का बिल्कुल डर नहीं है। ये घर श्रेया दीदी के दोस्त का है। आप पैसा लेकर जितना जल्द हो सके यहाँ आ जाओ। गोविंदन यार, मानना पड़ेगा प्रभाकरण जी को, क्या आदमी है यार, साला पांव छूने का मन करता है उनका। कौन प्रभाकरण? अबे साले, कौन प्रभाकरण बोलता है, LTTE टेररिस्ट प्रभाकरण। आपको जो सोचना है सोचो, आप उसे कम थोड़ी है जो उसका तारीफ करता है। अबे दिमाग उठ गया है क्या तेरा, जब मेरा बराबरी उनके साथ करता है। वो उधर श्रीलंका में बैठ कर पूरा इंडिया हिला रहा है, हम इधर छोटा मोटा पुलिस वाले को मारते हैं। और ऐसा सुना है प्रभाकरण ने राजीव गांधी को उड़ा दिया। बस बस एक बार उनसे मिलना हो गया ना, फिर देख अपना पूरा गैंग का किस्मत बदल जाएगा। अभी तक क्या मिला, अभी तक हमको क्या मिला? सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप किया, 9 करोड़ मुनाफा, 9 करोड़। मेरे को क्या मिला? 7 लाख। अरे कुत्ते का दिन आता है, उनका भी आएगा, जब शेर इनकी अतड़िया निकाल कर गीदड़ों को खिलाएगा, तब पता चलेगा इनको कौन है वीरप्पन। अन्ना, मुत्तो लक्ष्मी जी ने आपके लिए कैसेट भेजा है। मैं अच्छी हूँ, मैंने घर बदल लिया है, एक श्रेया दीदी है उनके साथ रहती हूँ, बहुत अच्छी है। उनको घर का भाड़ा देने के लिए मुझे पैसे चाहिए, जल्द से जल्द। जंगल में कॉफी के बगान के पास एक पीले रंग का बहुत बड़ा घर है, मैं वहाँ आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे कुछ बोलना है।
मुद्दलक्ष्मी मैं नहीं आ सकता, ये सब एसटीएफ की चाल है। तुमने जो श्रेया के बारे में बताया वो एसटीएफ की जासूस है, तुम्हारी हर बात वो एसटीएफ तक पहुंचाती है। तुम्हारे रूम में कैमरा और माइक लगा के रखे हैं ये लोग। तुम निकल जाओ वहां से, मैं नहीं आने वाला। उसे पता चल गया कि तुम पुलिस की तरफ से काम कर रही हो। लक्ष्मी, ये जोक सुनने लायक है। क्या हुआ? उन्होंने मैसेज भेजा है कि तुम पुलिस की जासूस हो। इनफ मुथु लक्ष्मी, इनफ। मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी और तुम्हें मुझ पर ही शक? मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ और फिर भी तुम मुझ पर ही डाउट कर रही हो? दीदी, 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 शक मुझे नहीं है, शक उनको है। वो गलत भी तो हो सकते हैं। आप ये समझ जाओ कि उनको सब पे डाउट करना पड़ता है। क्या पता कब कौन कैसे धोखा दे दे। मैं दिल से जानती हूं कि तुम पुलिस वाली नहीं हो। पूरा मत मानो। अब क्या करना है? उन्होंने कहा है कि वो नहीं आएंगे। अब रुकने का क्या फायदा? उनके पहुंचने से पहले सारे कैमरास और माइक निकाल दो। कैंसिल हो गया। मेरा पन नहीं आ रहा है। टेल एवरीवन टू रिलैक्स। राइट सर। टीम, टेक इट इजी, रिलैक्स।